हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कोल्बे स्मिट रिएक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल का, और आज मैं इस रिएक्शन में आपको एकदम नया चीज बताऊंगा, एकदम नए लेवल के साथ में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोल्बे स्मिट रिएक्शन होता क्या है। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं। अब फिनॉल आपको पता होगा, जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट OH जुड़ेगा तो उस कंपाउंड को फिनॉल बोलेंगे। अब इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, जरा ध्यान से सुनते हैं। इसको ट्रीट करेंगे NaOH बेस के साथ। सबसे पहले बेटा इसको बेस के साथ ट्रीट करना है। तुम यहाँ पर NaOH की जगह KOH भी ले सकते हो, लेकिन दोनों का मैं जबरदस्त आज यहाँ पे यूज बताने वाला हूँ, जरा ठीक से समझना। और तुमको आज एक नया चीज इस रिएक्शन से सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में। तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है कुछ इस तरीके से, OH COOH इसको ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, और इसका पैरा फॉर्म भी एक होता है कुछ इस तरीके से, OH COOH इसको कहते हैं पैरा सैलिसिलिक एसिड। तो यानी यहां बेटा क्या होता है, सबसे पहले तुम फिनॉल को NaOH के साथ ट्रीट करोगे, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, थर्ड H+ का यूज करेंगे। तो यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, आर्थो सैलिसिलिक एसिड मिलेगा और दूसरा मिलेगा पैरा सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। अब मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। तो सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं इसका मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म क्या होता है इसका, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे। फिनॉल को NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया है, देखो यहां पे NaOH लेना है, और मैं तुमको KOH लेकर के भी बताऊंगा बेटा, इतना मजा आएगा रिएक्शन देख के कि तो हम मेरे हिसाब से तुम जिंदगी में पहली बार ऐसा रिएक्शन देखोगे। बस तुम देखते जाओ आज क्या होने वाला है। NaOH लेंगे, इसको ब्रेक करते हैं पहले, एकदम ध्यान से समझना, बेसिक से चलूंगा, एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस पे आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ऑक्सीजन पे तो वैसे नेगेटिव आता है तो हम लोग पॉजिटिव क्यों लिखेंगे, नेगेटिव लगाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, कुछ यूं करना है ऐसा, ये बॉन्ड बॉन्ड ये एसिड एज इट इज रहेगा, ओ नेगेटिव Na पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। अब जब Na पॉजिटिव होगा तो जरा ध्यान से सुनना, इसके बाद इसको किसके साथ ट्रीट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है बेटा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है इसको इस पे ब्रेक करेंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये बॉन्ड इस पे ब्रेक करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाएगा। अब जरा एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये कार्बन जो नेगेटिव चार्ज वाला है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, अटैक तो ऑक्सीजन भी कर सकता था ना, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया, रीजन रीजन समझो, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वो कार्बन का ग्रेटर होता है ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा, और जब डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी भी तो कम हो जाएगा, ऐसे सोचो ज्यादा क्लियर रहेगा। अब देखो जरा आगे चलते हैं, बात को समझो, अटैक करने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होगा, ध्यान से देखते रहना। ये जो डबल बॉन्ड है इसको तो एज इट इज लगा देंगे, लगाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे ओ आएगा। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ में देखो डबल बॉन्ड ओ लगा रहेगा, और इसके साथ में ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव आएगा, अब Na+ किसके साथ में आ जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा। अब जरा आगे देखना बेटा ध्यान से क्या करने वाले हैं, ये पहला
ये दूसरा, ये तीसरा। अब यहाँ पर क्या कराएंगे, कीटो इनोल टाटोमेराइजेशन कराएंगे, लेकिन उससे पहले समझो ये कंपाउंड अब कैसा हो चुका है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो चुका है। बेटा ध्यान से देख लेना, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो चुका है, पहले एरोमेटिक था, अब ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। और एरोमेटिक जो होता है वो स्टेबल होता है, नॉन एरोमेटिक अनस्टेबल होगा। तो जब यहाँ पे कीटो इनोल टाटोमेराइजेशन होगा, जब कीटो इनोल टाटोमेराइजेशन होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा COONA। अब यहाँ पे साल्ट बन गया। अब देखो तो पहली बार में NaOH यूज किया गया, दूसरी बार में कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी बार में क्या यूज करना था बेटा, H प्लस। अब तीसरी बार में H प्लस यूज कर देंगे इस पे। अब इस पे जैसे ही H प्लस यूज करेंगे ये Na यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और कुछ इस टाइप का यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। जरा ध्यान से देखना, OH C डबल बॉन्ड OH बन गया बेटा। ये देखो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब समझ में आया, तो ये जो है ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा, ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन, आर्थो वाला। जब तुम NaOH का यूज करोगे तो जो आर्थो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, इसके पीछे का मैं तुमको रीजन बताता हूं। सबसे पहले रीजन समझो, देखो अब सोडियम और पोटेशियम में जरा एक बात समझो, Na प्लस का जो साइज होता है K प्लस के साइज से क्या होता है, स्मॉल होता है। इसका साइज क्या है, स्मॉल है। इसका साइज क्या है, लार्ज है, लार्ज है, ये बात मानते हो। तो जब साइज सोडियम प्लस का स्मॉल है तो इसपे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इस पे क्या होगा, इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा के प्लस के कंपेयर में। जब के प्लस के कंपेयर में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो जरा ध्यान से देखना यहाँ पे बेटा क्या होने वाला है। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पे लिखा गया था, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ, 1, 2, 3 सी ओ नेगेटिव, Na पॉजिटिव, डबल बॉन्ड ओ, ये कंपाउंड यहाँ पे लिखा गया था। अब ये नॉन एरोमेटिक है तो यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पर इसका हाइड्रोजन भी होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगा, नॉन एरोमेटिक है मैंने बता दिया है। तो ये क्या होता है यहाँ पर, इसका होता है सॉल्वेशन। और जब सॉल्वेशन होगा बेटा तो देखो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स मेंबर्ड रिंग बनेगा, सिक्स मेंबर्ड रिंग बनेगा। और जब सिक्स मेंबर्ड रिंग बनेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, आर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा। तो अब बात समझ में आया कि यहाँ पर आर्थो प्रोडक्ट मेजर क्यों है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे तो आर्थो प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा, यानी मेजर प्रोडक्ट है आर्थोसैलिसिलिक एसिड, आर्थोसैलिसिलिक एसिड यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। ये बात क्लियर होगा बेटा। अब जरा बात को ध्यान से सुनना और समझना, ये मैकेनिज्म तुमको क्लियर होगा। अब मान लो एक बात याद रखो, सबसे पहले रेड अलर्ट, और इस बात को याद रखना हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। अब जरा बात को समझो, तो देखो यहां पर जैसे ओ एन ए बना था, ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, अब ये कब बना होगा, जब तुम यहाँ पे यूज किए होगे फिनॉल के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर देंगे, सेकेंड में क्या करेंगे, एच प्लस लेंगे। जब H प्लस लेंगे तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या आएगा OH, यहाँ पर आएगा C डबल OH, एक प्रोडक्ट इसका और बनेगा, यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर आएगा C डबल OH। तो जब तुम NaOH यूज करोगे तो जो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आर्थो होगा। आर्थो क्या होगा,
मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट। और जब तुम पैरा वाले को देखोगे तो ये होगा माइनर, क्योंकि यहां पर कोई भी सॉल्वेशन नहीं होगा, कोई भी सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा इस तरीके का। तो जब तुम NaOH यूज करोगे तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? आर्थो। और वो मैंने बता दिया सॉल्वेशन के थ्रू यहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है, मतलब होता है। लेकिन अगर तुम यहीं पे क्या करते, अगर तुम यहीं पे पता लगा कि फिनॉल लेते, फिनॉल को ट्रीट कर देते सबसे पहले किसके साथ में, पहले मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझो। चलो तुम पहली बार फिनॉल लेते तो फिनॉल को ट्रीट कर देते तुम KOH के साथ। अब जैसे ही तुम KOH को ट्रीट करते O नेगेटिव K पॉजिटिव बन जाता, तो अब K पॉजिटिव का तो साइज बड़ा होता है तो यहाँ पर कोई सॉल्वेशन होगा नहीं, सिक्स मेंबर रिंग बनेगा नहीं। तो इसके केस में क्या होगा, जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा OH COO K पॉजिटिव। अब इसका तुम करा दोगे सॉल्वेशन, और जब सॉल्वेशन करा दोगे तो इस तरीके का बनेगा OH C डबल OH। तो अब जरा देखो तो इसमें भी तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, और वो जो दो प्रोडक्ट बनेंगे कैसे बनेंगे, एक ऐसा बनेगा OH C डबल OH और यहां पे क्या बनेगा OH C डबल OH। अब इसके केस में जब तुम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे यूज किए हो तो इसके केस में मेजर क्रोम हो जाएगा, इसके केस में जो मेजर होगा वो होगा पैरा। अगर तुम ये पहली बार देख रहे हो तो ध्यान से देख लेना बेटा। और ये क्या होगा, माइनर होगा। ये भी मार्केट में नया लॉन्च हुआ है इसीलिए मैंने तुमको बता दिया, और ये वन ऑफ द न्यू टॉपिक है जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसलिए मैं तुमको बता दे रहा हूँ। जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर तुम पता लगा कि अगर इसके बारे में ऐसे नहीं सोचते तो तुम जो KOH यूज किया जाता तो तुम मेजर प्रोडक्ट किसको बना देते, आर्थो को बना देते, और रिएक्शन गलत हो जाता और सिलेक्शन रुक जाता, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। इसीलिए बेटा इस बात को ध्यान रखना कि जब NaOH यूज किया जाएगा कोलवे रिएक्शन में तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा आर्थो, और जब KOH यूज किया जाएगा तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, पैरा होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो आज के इस रिएक्शन को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये नेम रिएक्शन था और इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाना था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको क्या किया कि इसको शॉर्ट में ही बनाया। केवल आगे का केमिकल प्रॉपर्टी फिनाल का अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।